Good morning, everyone. In continuation with HTML, today we are going to discuss three topics. That is, how to embed any audio, how to embed any video, and how to send the email to any particular person. Embedding audio and video means किसी एक वेब पेज पर कोई ऑडियो फाइल, मतलब जिसमें सिर्फ आवाज हो, वीडियो फाइल जिसमें आपके साथ कोई इमेज और साउंड दोनों चीज़ें अवेलेबल करा सकें. इस तरीके की चीज़ें हम अपने HTML से क्रिएट किए हुए वेब पेज पर यूज़ कर सकते हैं. और नेक्स्ट है हमारा ईमेल. ईमेल कैसे सेंड करना है? ईमेल आपको पता ही है, जिसमें हम कोई टेक्स्चुअल मैसेज, कोई अटैचमेंट भेज सकते हैं. तो ये सारे फीचर्स भी आपके HTML में पॉसिबल है. अब कैसे है? आप चाहे ऑडियो एम्बेड करना चाहें, चाहे वीडियो एम्बेड करना चाहें, दोनों टैग्स बॉडी टैग के बाद यूज़ होंगे एज यूजुअल, जैसे हम पहले करते आए हैं. बॉडी टैग से पहले कोई भी यूज़ नहीं होगा. अब करना कैसे है? ऑडियो और वीडियो एम्बेड करने के लिए दोनों जो टैग हैं वो पेयर्ड टैग. पेयर्ड टैग का मतलब इसका ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा. ओके, अब मैंने एक एग्जांपल लिखी है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं. बॉडी टैग के बाद एम्बेड, एम्बेड कर रहे हैं. सोर्स, सोर्स क्या होता है? वो लोकेशन आपको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल को अटैच करते हैं. अब ये जो सोर्स में हम ऐड करेंगे, उसी फाइल से हमें पता लग जाएगा कि क्या ये ऑडियो है या वीडियो है. अब मैंने एक फाइल यूज की, योर फाइल नेम से. आपके सिस्टम पर जो भी म्यूजिक फाइल्स होंगी उसका जो भी नाम है आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. उस फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा, ऑडियो या वीडियो फाइल, वो आपने यूज किया. उसके बाद आप एम्बेड को क्लोज करेंगे. ठीक, इतना सिंपल आपका प्रोसेस है. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए एम्बेड यूज करना है, SRC यूज करना है जो लिंक करने के लिए हेल्प करेगा, आपकी फाइल का नेम देना है. सिंपली जैसे आप लिंकिंग में करते थे, वहां पे हम AHREF लिखते हैं या और इसकी जगह पे आपको या फिर एंकर टैग लगाते हैं, इमेज के साथ सोर्स अटैच करते हैं, IMG SRC लिखते हैं. उसी तरीके से आपको एम्बेड SRC और अपनी फाइल का नेम लिखना है. बहुत सिंपल है ये. इसको यूज करने के साथ साथ इसके कुछ फीचर्स या फिर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या हैं? ऑडियो और वीडियो दोनों में ये सेम एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज अलाइन, देन ऑटो स्टार्ट, देन प्ले काउंट, हाइट, विड्थ और SRC. कुछ एट्रीब्यूट्स हैं तो यू आर फेमिलियर, क्योंकि आपने प्रीवियसली भी नहीं यूज किया हुआ है. अलाइन, अलाइन का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर चीज को कहां पे आपको असाइन करना है. अलाइन में हम किसी पर्टिकुलर चीज को एक जगह पर अलाइन करते हैं. दैट मींस वो जो आपका पेज है या फिर वो जो लिंक है वो लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा या सेंटर में आएगा. नेक्स्ट है ऑटो स्टार्ट. ऑटो स्टार्ट का मतलब है जैसे ही आपका वेब पेज ओपन हो उसी वक्त ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, हमें खुद से कुछ करना ना पड़े. कि जैसे हम कुछ बटन पे क्लिक करेंगे या फिर किसी को ओके करेंगे या फिर हमारा जब चॉइस होगा दो तीन वेब पेज देखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा ना हो. जैसे मेरा वेब पेज स्टार्ट हुआ, क्लिक हो गया, तो ये जो म्यूजिकल फाइल थी या फिर ये जो ऑडियो या वीडियो फाइल थी ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑटो स्टार्ट. देन वी हैव प्ले काउंट. जैसे मान लो आपका कोई म्यूजिक है, बैकग्राउंड आप म्यूजिक लगा रहे हो, आपका जो पेज है उसके डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, हम जो वीडियो दिखा रहे हैं, और आपका जो ऑडियो है वो छोटा है. तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा होगा ऑडियो खत्म हो गया, वीडियो फिर भी डिस्प्ले हो रही है, तो आप ऑडियो को रिपीट कर सकते हैं. कितनी बार वो बजे, कितनी बार वो प्ले हो, तो उसके लिए जो फीचर यूज होता है दैट इज प्ले काउंट. दैट मीन्स आपको इसको कितने काउंट तक प्ले करना है, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको इसे रिपीट कराना है. आप प्ले काउंट में कोई भी वैल्यू दे दीजिए, 2, 3, 4, उतनी बार वो म्यूजिक ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहेगा जैसे ये फिनिश हो जाएगा. हाइट आपको पता है, विड्थ आपको पता है, जहाँ पे भी आप लिंक लगा रहे हो उसके लिए. SRC आपको पता है, लिंकिंग करने के लिए यूज होता है, और
ही लिखना है, उसमें आप वीडियो फाइल का नेम लिखेंगे और अंदर को क्लोज करेंगे। सेम एट्रीब्यूट्स वहाँ पे भी यूज होंगे कि आपको वीडियो को अलाइन करना है तो किस तरफ आप वीडियो को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आपको वीडियो को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस वीडियो को प्ले करवाना है, हाइट क्या होगी जो वीडियो आपका डिस्प्ले हो रहा है, विड्थ कितनी होगी, कैसे आप प्ले कर रहे हो। इसके साथ साथ ये जो कुछ फीचर्स हैं वो HTML5 में सपोर्ट नहीं होते, दैट मीन्स जैसे वर्जन अपग्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, उसके लिए माइनर्स आपका जो फॉर्मेट है वो अलग हो जाता है। HTML5 में ऑडियो या वीडियो एम्बेड करने के लिए आपको एम्बेड की जगह पे ऑडियो टैग भी लगाना पड़ेगा और ऑडियो को ही क्लोज करना पड़ेगा, और वीडियो के लिए वीडियो टैग ही लगाएंगे और वीडियो को क्लोज करेंगे। क्लियर? ये आपका प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने ऑडियोज और वीडियोज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेल टू ऑप्शन, वो हम कैसे यूज करेंगे। मेल टू फीचर यूज होता है कुछ भी मेल करने के लिए, ईमेल अगर आपको सेंड करना है तो ईमेल सेंड करने के लिए आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, बिना ईमेल आईडी के काम नहीं हो सकता, और उस ईमेल आईडी को आपको लिंक करना पड़ेगा तभी पॉसिबल। अब कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बॉडी टैग के बाद ही काम होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने ये वेबसाइट देखी, ठीक है, वो उस वेबसाइट को देखने के बाद आपको कहते हैं कि आप अपना फीडबैक दीजिए, अपना रिस्पॉन्स दीजिए, अपना व्यू बताइए कैसा लगा, तो उसी के रिगार्डिंग जो वो अपना रिव्यू देंगे, वो अपना फीडबैक देंगे, वो किस पे देंगे, मान लीजिए मेरी मेल आईडी पे या आपकी मेल आईडी पे देंगे। तो कैसे देना है, हमें बॉडी टैग के बाद मैंने लिखा गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, ठीक है। अब मुझे ये फीडबैक किस पे मंगाना है, अपनी मेल आईडी पे, तो अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मेल टू फंक्शन, और मेल टू को मैं लिंक करूंगी, लिंक तो देना ही पड़ेगा तभी वो मेल ओपन होगा। उसके लिए कैसे काम होगा, HR, इससे आप ऑलरेडी अवेयर है, ए इज यूज फॉर लिंकिंग, HR इज यूज फॉर द हाइपरलिंक्स। अब यहाँ पे हम लिंकिंग वाला पेज लिखते थे, बट इधर मैं क्या लिंक कर रही हूँ, अपनी ईमेल आईडी, तो उसके लिए यूज होगा मेल टू, मेल टू मतलब लिंक एस्टैब्लिश करना है, किसके थ्रू लिंक एस्टैब्लिश करना है, मेल के थ्रू लिंक एस्टैब्लिश करना है, और फिर उस पर क्या लिखा जाएगा, जो मेरी ईमेल आईडी, मान लीजिए किसी की भी अगर हम लिखते हैं abc1824@gmail.com, ठीक है। और आपको अगर इसके बाद भी कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी हो तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना लिंक क्लोज कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर जिसके थ्रू आपका, या फिर हम यहाँ फीडबैक ऐसे। अब देखिए इससे क्या रिस्पॉन्स आएगा, मैंने बॉडी टैग के बाद लिंक लगाया, लिंक कैसा लगाया, नॉर्मल लिंक नहीं लगाया, मैंने लिंक लगाया जिसपे हम एक ईमेल आईडी को ओपन करवा के उसमें डेटा रिसीव करेंगे। मैंने लिखा गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, मतलब आउटपुट स्क्रीन जो है, आउटपुट स्क्रीन जो है वहां पे आपके पास आएगा गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। उसके बाद मैंने लगाया लिंक, एंकर टैग ए, एचआरईएफ लिंकिंग के लिए कैसे लिंकिंग हो रही है, मेल के थ्रू लिंकिंग हो रही है, और उसके लिए आईडी के abc@1234। तो यहां पे आपके पास आ रहा होगा abc1824@gmail.com, ठीक है। अब ये कैसे ओपन होगा, ये डायरेक्टली तो ओपन होगा नहीं, उसके लिए यहां पे क्या लिखा आ रहा होगा, हियर गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर, और हियर के नीचे आपका आएगा अंडरलाइन, ये मैं इंग्लिश करती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर, ओके। अब इस आप देखिए बाकी सारा टेक्स्ट नॉर्मल है, हियर के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, क्यों अंडरलाइन आ रहा है, क्योंकि इसमें लिंक लगा हुआ है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक ईमेल आईडी वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पे लिखा होगा टू सीसी बीसीसी, उसके बाद कंपोज करने के बाद, और इस टू में क्या लिख दिया होगा abc1824@gmail.com। क्लियर?
क्लियर हुआ? सो दिस इज द वे टू लिंक एनी ईमेल आईडी, दैट मींस इन स्पाइट ऑफ अपनी मेल से डायरेक्टली उन्हें मेल करके रिस्पांस देने के बजाय हम अपनी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और फीडबैक रिसीव करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, हमारे पास क्या है, हमारी ईमेल आईडी। तो उसके लिए हमने लिंक एस्टैब्लिश कर दिया और वो लिंक एस्टैब्लिश नॉर्मल लिंक से ही होगा, AHREF से। बस एक वर्ड आपको एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है और कोलन लगाना पड़ता है, दैट इज मेल टू, जो ये स्पेसिफाई कर देता है कि नॉर्मल लिंकिंग नहीं है, मेल करा रहे हैं, ठीक। बट ये जो मेल आप लिख रहे हैं ये डायरेक्टली आपको आउटपुट स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा, क्या नजर आएगा, जो वर्ड आपने यहाँ पे लिखा है और उस वर्ड पे क्लिक करने पर आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिसपे आपके पास वेबसाइट नहीं सॉरी ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए कुछ टॉपिक्स है HTML के। ऑडियो एम्बेड करना, दैट मीन्स वेब पेज पे ऑडियो को पेस्ट करना। वीडियो एम्बेड करना, दैट मीन्स वेब पेज के साथ वीडियो को यूज करना या पेस्ट करना या उसे असेस करना। और नेक्स्ट था अपनी अटैचमेंट के थ्रू, मतलब ईमेल के अटैचमेंट के थ्रू किसी का वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, फीडबैक या फिर कोई भी डेटा रिसीव करना। तो वो कैसे होगा, दिस इज ऑल अबाउट इट एंड वी आर लेफ्ट विद द फॉर्म्स जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू।